तो प्रिय छात्रों, आज है आपका 28 फरवरी और आज हम लोग 9th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अर्थात यह सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश का होने वाला है। बता दें कि बहुत सारे विद्यालय हैं ऐसे हैं जहां पे प्रथम शिफ्ट में आपका सोशल साइंस और सेकेंड में आपको इंग्लिश लिया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर पहली घंटे में इंग्लिश और दूसरी में सामाजिक विज्ञान लिया जाएगा। तो आज मैं इस ओरिजिनल पेपर का आंसर के साथ में आया हूँ, और आपको कैसे यहाँ से लेना है, डाउनलोड करना है, आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। बता दें कि आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ही मिल जाएगा, संस्कृत हिंदी भी हमारे पास ओरिजिनल पेपर है तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही रखिएगा। ध्यान रखिए, बेल आइकन प्रेस रहेगा तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा सबसे पहले। तो आइए हम लोग कहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर किसी पर भी आना है, और वहाँ पे आपको सर्च करना है, अपना चैनल का नाम ही सर्च करना है, माधव एनसी डॉट। तो यहाँ पे यदि आपके सामने आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको माधव एनसी डॉट कॉम यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है, थोड़ा सा भी आपको फेरा नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान तरीका से आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से सारे। देखिए, यदि आपको हिंदी का एग्जाम अभी नहीं हुआ, अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर हिंदी का देख सकते हैं, नीचे आप संस्कृत का देख सकते हैं, बिल्कुल सही सही आपको विषय यहाँ पर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश आ चुका है, तो हम लोग इंग्लिश पर सिंपली यहाँ पर सर्च कर देंगे। इंग्लिश पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फिर से आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, पहला का बिल्कुल तरह से सही आंसर है, आप लोग यकीन कर लीजिए, मैंने जिस प्रकार से आपको साइंस और मैथ में दिए थे सेम उसी प्रकार से है। तो आपको पहला का सी, दो का ए, तीन का बी, तो आप यहां से किन्हीं भी 50 प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं और एग्जाम में जाकर वो देख सकते हैं। चलिए अगला विषय आप लोग को सोशल साइंस जैसे लेना है, तो आपको फिर से बैक करना है, पीछे आना है और यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर सोशल साइंस दिखने को मिल रहा है, तो आपको इस पर यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने सोशल साइंस का भी आंसर के यहाँ पर आ गया है सब्जेक्ट के साथ। यहां पर देखिए आपको लिखा जा चुका है, नीचे आप आइएगा तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो 50 से ओवर क्वेश्चन यहां पर दिया जा चुका है, आप यहां से देख करके लिख कर जा सकते हैं। ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव आपका कुछ ही पल में यहां पे अपडेट हो जाएगा, तो आप सब्जेक्टिव भी यहां पर देख पाएंगे। तो आपको इस पेज पर बार बार आना है, और आकर के आपको क्या करना है इस बात को समझिए, आपको बार बार यहां से रिफ्रेश मारना है, अर्थात यहां पर ऐसे करना है। तो रिफ्रेश मारने के बाद आपको सब्जेक्टिव नीचे में देखने को मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं आसानी। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गया होगा और आप कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।